ये किसकी आवाज आ रही है? सो क्यूट गया है कोई। से हाय रुदु, से हाय टू कैमरा, से हाय, से हाय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति क्रिएट्स। आज मैंने सोचा आज मैं अपना जो पुराना स्केचबुक है आई विल शो यू दैट दिस इज अबाउट अ डेकेड ओल्ड। इसमें आई थिंक 10 साल ही नहीं आई थिंक 15 साल पुराने स्केचेस भी ऑलरेडी मेरे पास हैं, स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के एंड कुछ मेरे जॉब के टाइम के। अभी तो मैं कर रही हूँ जॉब, नाउ आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग व्हिच इज अ गुड थिंग। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, आई शो यू माई फर्स्ट स्केच। सो एक्चुअली मेरे पास पहले छोटी छोटी सी मैंने ड्रॉइंग पेपर ले रखे थे, पतले पतले पेपर, एंड दिस इज आई यूज HB पेंसिल। दिस इज अ ट्राइबल वुमन एंड पता नहीं क्यों मैंने इतनी कंजूसी करी है कि मैंने एक ही शीट पे दो ड्रॉइंग कर रखी है। दिस इज अनदर वुमन बिहाइंड दिस, और ये आई थिंक दिस इज इंडियन वुमन तो नहीं लग रही है मुझे, अब मुझे याद नहीं क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू अदर स्केच। ये मैंने बनाए हैं चाचा नेहरू, ये भी अगेन मैंने पेंसिल स्केच किया है, विच इज आई थिंक आई डिड दिस इन 11th क्लास। एंड देयर इज अनदर लेडी हु इज रीडिंग समथिंग, इज इट क्लियर? एक्चुअली मैंने पेंसिल लाइंस बहुत थिन थिन सी चलाई हुई है, उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं होते, आपको ज्यादा चीजें पता नहीं होती कौन से पेंसिल यूज करने हैं, कौन से पेपर यूज करने हैं, तो यू जस्ट यूज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल टू यू। ये वाला एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट था स्कूल टाइम पे, बिकॉज आई वॉज रियली प्राउड ऑफ इट। मुझे शेडिंग बड़ी पसंद आई थी और मुझे लग रहा था कि दिस इज मुझे नेल्स हाथ बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट नाउ दिस इज आई वॉज प्रीटी हैप्पी विद दिस। तो कोई मुझे बोलता था स्केच दिखाने को तो मैं सबसे पहले यही दिखाती थी दौड़ के। एंड देयर इज अनदर एनिमे लेडी, मुझे लगता है उस जनरेशन के सारे बच्चे यही करते थे, एनिमे लेडी एंड एनिमे बॉयज ये सब बनाते रहते थे। हियर आई हैव अ वेरी कलरफुल लेडी, ये मैंने कुछ फैशन फिगर काइंड ऑफ बनाने की कोशिश की थी। आई यूज स्टेडलर पेंसिल एंड जो कि मेरे पास अभी तक थे, अभी मैंने अपने नेफ्यू को दे दिए हैं, आई डोंट नो ही इज यूजिंग और नॉट, ही इज ऑल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट। सो आई मेड दिस फैशन फिगर, इसका मुझे कलर बहुत पसंद आ रहा था, वाइब्रेंट एंड ब्राइट। दिस इज अ स्टिल लाइफ स्टडी जो मैं कॉलेज टाइम पे करी थी, आई थिंक 2011 में करी थी, एंड गार्डन से पत्ते तोड़ के लाए थे एंड उसके बाद यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू और उसके बाद आप स्टडी करते हो एक एक कलर कैसा फॉल कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस, स्टिल लाइफ स्टडी मुझे लगता है अगर इफ यू आर एन आर्टिस्ट सबको करनी चाहिए। आप अपने सामने प्रोडक्ट रखो, यू विल लर्न लाइटिंग एंड शेडोज एंड हाउ द कलर वर्क्स। ये मैंने यहाँ पे बनाया है मेल पोर्ट्रेट, आई यूजली डोंट डू मेल पोर्ट्रेट, मुझे लगता है ज्यादातर आर्टिस्ट नहीं करते बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट, बट ये वाला मुझे पसंद था, ठीक है, पाल थोड़े से गड़बड़ है बट ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने करी है चाकोल यूज, विच इज आई नेवर लाइक चाकोल, मेरे को बहुत मेसी लगता है, गंदा हो जाता है, बट आई लाइक दिस लेडी। Moving on. Okay. Ow. Here I have some weird shoe. So यहाँ पे मैंने नेचर यूज किया है शू का थीम के लिए, फ्लावर्स एंड लीव्स एंड ऑल दैट स्टफ हील्स में। बहुत सारा कुछ है एक्चुअली मेरे पास, मेरी मम्मी ने एक्चुअली सब कुछ ही संभाल के रखा था, कुछ भी नहीं फेंका। ये मैंने करी है आई थिंक 9th और 8th क्लास में, यू कैन कॉल इट माय फर्स्ट पेंटिंग। ये यहाँ पे मैंने यूज किए हैं वाटर कलर
एंड आई थिंक ये किसी फेमस पेंटर की पेंटिंग है, मुझे पता तो नहीं है किसकी है, बट हाँ मैंने कहीं कैलेंडर में कहीं पे देखी थी और मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी, तो आई ट्राई टू कॉपी दैट. एंड हियर इज अनदर लेडी जो मैंने कंजूसी करके इसके पीछे बनाई है. व्हाट डू वी हैव हियर? ये है मेरे कॉमिक के डूडल जो मैं पिछले 3 साल से सोच रही हूँ बनाने का. कॉमिक बनाऊंगी बट मेरा कैरेक्टर कभी रेडी नहीं हो पा रहा है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट वन डे फॉर श्योर दिस इज अ रिमाइंडर कि मेरे को कॉमिक्स बनानी है, मैं बनाऊंगी. सो हियर इज अनदर एनिमे गर्ल. मेरे को इसका बड़ा क्रेज था एक्चुअली. एक टाइम पे स्कूल टाइम पे मैंने अपने रूम की वॉल में सारी एनिमे गर्ल्स एंड आई डोंट नो देयर वर फाइव लेडीज फाइव गर्ल्स, उस कार्टून का नाम क्या था, बट मैंने पूरे रूम पे बना रखी थी. एंड आई नेवर लाइक ड्रॉइंग आर्किटेक्चर बट आई थिंक दिस इज द ओनली वन मैंने आर्किटेक्चर ड्रॉ किया है. आई डोंट यूजली ड्रॉ नेचर और आर्किटेक्चर बट आई थिंक आई शुड डू इट मोर नाउ. आई लाइक ड्रॉइंग नेचर. दिस इज something something, I don't know what is this. This is another still life study जो मैंने I think college time पे करी थी. Shoes draw किए थे. This is a normal pen. I didn't do a very good job. I'm not really proud of it. And here are some more shoes because I studied in footwear design and development students. So I was pretty obsessed with shoes at that time. I really like this one. इसमें मैंने वॉटर कलर एंड पेन का यूज किया है एंड दिस इज बाय ओनली पेन. हियर आई ट्राई टू डू अ फैशन फिगर विच इज नॉट रियली गुड बट ओके, सब सीखते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर धीरे धीरे सब सीखते हैं. हियर इज अनदर फैशन फिगर जिसमें मैंने कुछ वियर्ड सी हैट बनाई है. आई यूज पेन एंड स्टेडलर पेंसिल. And I have a lot of things here. Okay, here is an eagle. जो मैंने HB pencil से draw किया था, I think 7th standard में. And there's another lady. यहाँ पे सरस्वती draw करने का try किया था, but ये थोड़ी सी अंग्रेज लग रही है. Here is another fashion figure जो कि मैंने करा है sketch pen से और pencil से. Something weird is going on here. एंड ये है मेरी मम्मी का स्केच जो मैंने आई थिंक 12th क्लास में करा था. बहुत अच्छा तो नहीं है, अच्छा गया, बट इसके बाद आई शो यू द इम्प्रूवमेंट जो अभी मैंने लास्ट ईयर ड्रॉ किया है डिजिटल पेंटिंग. एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 12th. लेट्स सी, आई शो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस लेडी टू, ये मेरे को बड़ी पसंद है, इसकी शेडिंग मुझे बहुत पसंद है. एंड देयर इज अनदर लेडी विच आई ड्रू इन 10th क्लास. आई रियली लाइक इसकी शक्ल, मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी इनोसेंट सी है. एंड व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. एक टाइम पे मुझे पेन का बड़ा क्रेज चढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने पेन से ड्रॉ करा है. दिस इज एल्जा और हेयर्स पे मैंने डूडल किया हुआ है. And I love this one. This is by pen. Pura illustration pen se hai and I really like it. Okay. Things are getting really messy here. Sorry. Okay. So, I don't like the lady here but I like the idea behind it. This is a dream overdose. It's like drug overdose. But dreams can be addictive. Oh, this. I really like it. Not the lady, not the drawing, but the idea. Okay. And here's the last one. Not the last one, actually, इसमें बहुत सारे हैं, but video is getting very lengthy, you'll get bored. So, this is obviously my favorite because Mahadev is my muse and I always have and I always will be drawing him. Okay, thank you so much for watching and please support me, please subscribe my channel and give me some love. Bye bye.